हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, और जितना कम समय स्टूडेंट के पास बचा है उतनी ही समस्याएं स्टूडेंट के साथ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर मेरे पास लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं, सब स्टूडेंट की अपनी अलग अलग समस्या है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम एक ऐसी है जो लगभग सभी स्टूडेंट के साथ है, और वो है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग सभी स्टूडेंट को यहाँ पर इस समय परेशान कर रही हैं, और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे इन दो सब्जेक्ट को हैंडल किया जाए और एक अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर स्कोर किया जाए, एक अच्छा रिजल्ट नीट 2019 में बनाया जाए। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको ये बचे हुए 40 दिन है इनका यूज़ करना है, और कैसे आप इन 40 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करके स्कोर तक पहुँच सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली नीट 2009 एग्जाम में बैठने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की। स्टूडेंट को समस्या यहाँ पर क्यों आती है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत क्यों होती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में फिजिक्स में नहीं आती, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल फिर वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाते। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे तरीके से इन बचे हुए 40 दिनों का अगर यूज़ करते हैं तो बिना न्यूमेरिकल को किए हुए भी 520 से लेकर 530 नंबर तक ला सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आइए वन बाई वन हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपसे 180 क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके बायो के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से 130 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊँ। तो देखिए बचे हुए 40 दिनों में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान अब आपको देना है वो देना है आपकी बायो पर, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। अब इस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप 80 क्वेश्चन बायो में कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से NCERT पढ़ ली, और ज़्यादा दिन नहीं आपके, अगर आपने कुछ भी पूरे साल में पढ़ा है तो आसानी से आप 40 दिनों में NCERT को ख़त्म कर सकते हैं, एक बार नहीं दो बार भी ख़त्म कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अगर आप डेली 10 से 11 घंटे पढ़ते हैं तब, ठीक है। और बाकी आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कर सकते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है जो आपको अब सिलेक्शन के करीब ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खेल होता है वो होता है टोटली आपका याद करने वाला, जितना अच्छे से आप यहाँ पर जो डेटा है इसका वो अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है अगर उसकी बात मैं करूँ तो 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, और 15 ही क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो 15 ऑर्गेनिक 15 इनऑर्गेनिक अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो टोटल 30 क्वेश्चन आप आसानी से केवल थ्योरी को करके अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए 80 क्वेश्चन आपके बायो के और 30 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर आपके टोटल हो जाता है 110 क्वेश्चन। अब बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स से। अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको अभी बताया कि 15 क्वेश्चन, जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, लेकिन मिनिमम आप 15 क्वेश्चन तो मानकर चलिए 15 क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री में हो गए, बाकी के 45 क्वेश्चन जो हैं आपकी फिजिक्स के हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका पेपर उठाकर आप देख लीजिए, टोटल ये 60 क्वेश्चन हो गए फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के। इन 60 क्वेश्चनों में से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो केवल और केवल आपकी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। तो आपकी फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आपको अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं तो बस इनकी थ्योरी आपको क्लियर करनी है, थ्योरी बस अच्छे से कर लीजिए जिससे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे हो। और आपने अगर फॉर्मूले भी इनके याद कर लिए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके दोनों सब्जेक्ट में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल और केवल आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप 130 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप थ्योरी भी कर लेते हैं तो दोनों को मिलाकर यानी कि 60 क्वेश्चन में से आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे कर ही लेंगे जो आपके थ्योरी वाले होंगे। टोटल आपका ये अगर मिलाकर देखेंगे तो 130 क्वेश्चन
से आप ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और 130 क्वेश्चन भी मिनिमम अगर आप कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको, देखिए मैं आपको बता दूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सॉलिड स्टेट से आपका अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लिया जाता है, आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, तो ऐसे कई सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, गैसेट से आपका पूछ लिया जाता है, जिससे कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करके भी आप यहाँ सिलेक्शन के करीब यहाँ पर आप पहुँचते हैं। लेकिन शर्त बस यही है कि इन 40 दिनों को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 10 से 11 घंटे की तो स्टडी डेली करनी ही पड़ेगी। बायो में NCERT को अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से करिए, यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। बाकी आपको फिजिकल और फिजिक्स में इतने इस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे कि आप 20 क्वेश्चन तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं दोनों में से वो आप कम से कम कर पाएँ, और आप फॉर्मूला बेस्ड जो आते हैं वो कर पाएँ। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब बात रही कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके लिए अब पढ़ने चाहिए, तो उसके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर श्लोक, आपको वीडियो मिल जाएगी। ऐसे ही आप फिजिकल केमिस्ट्री के भी देख सकते हैं, दोनों पर ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो उनको देख लीजिए। बाकी ये था मेरी तरफ से आपके लिए 40-day प्लान जो मैं आपके लिए बताना चाह रहा था। और अगर आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो थ्योरी पर काम कीजिए, थ्योरी के बेसिस पर भी आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, मैं खुद आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहा हूँ, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ अनअकैडमी पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे साथ यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो प्लान है वो है 12 अप्रैल तक आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट यहाँ पर कराना। मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ, साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर चल रही है तो वो भी आपकी लगभग 12 अप्रैल तक मैं ख़त्म करा दूंगा। तो आप दोनों से मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अभी अनअकैडमी पर मैं आपके लिए करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जहाँ मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटाफट से अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मुझे सर्च करिए डॉक्टर विशेष पारसरी के नाम से। यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ डेली अनअकैडमी पर मेरे 2 से 3 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। याद रखिए, यहाँ सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने सभी लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे सभी लेक्चर अनअकैडमी पर देख सकते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।